या खुदा, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे अब्बा के आंख से आंसू निकल रहे हैं। अब्बा राजे दिल अब्बा सही कर दीजे इजहार। राजे दिल अब्बा सही कर दीजे इजहार, किस गम से झर झर बहे आंसू की जलधार। आंसू की जलधार याद घर घर खुशियाली छाई, आखिर यार अब घर मेरे। के दिन हक ताला कैसी गाज गिराई, दामन जल के खाक हुआ पर तुम्हें करम ना आई। राजे दिल फरमाओ हाँ, अबाना देर लगाओ हाँ, क्यों वही अस्त्र की धारा, बतलाओ बतलाओ अब्बा फाटे जिगर हमारा। अब्बा आज तो ईद का दिन है अब्बा, लोग खुशियां मना रहे हैं, एक से एक गले मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपके आंखों में आंसू देख रहा हूं अब्बा, इसका कारण क्या है? मैं बता रहा हूं बेटा, मेरे नूरे नजर मेरे लखते जिगर, दास्ताई गम की ए है पुरानी बहुत, लाडले ईद के दिन मैं क्यों रो रहा। लाडले ईद के दिल में क्यों रो रहा, लंबी चौड़ी है कहानी बिछल लगे। लेकिन अब्बा आज तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मजार किसकी है, और आप रो क्यों रहे हैं अब्बा? बेटा ये मजार तुम्हारी अम्मी जान की मजार है बेटा। अम्मी जान की मजार? लेकिन सुनो बेटा, बात पुरानी है पिशर, सुनो लगाए कर ध्यान। जिंदा है संसार में डाकू दर्शन शैतान। लेकिन अब्बा उसने हमारा क्या बिगाड़ा है अब्बा? डाकू दर्शन शैतान उसी ने ऐसा जुल्म ढाया, एक दिन डाका पड़ने घर में पाजी मेरे। अब्बा काफी ढूंढा ढाड़ा लेकिन टका एक न पाया, गुस्से में आकर माँ पर तेरे गोली नीच चलाया। राजे दिल फरमाया कुछ भी नहीं छिपाया, यही गम है दूना और बिन माता के पाला पोसा, तू है ये कुनम। ए बेटा ये तेरी माँ की मजार है, एक दिन डाकू दर्शन मेरे घर में डाका पड़ आया, काफी ढूंढा ढाड़ा लेकिन एक टका नहीं पाया, तुम्हारी माँ सभा ने शोर मचाया और
पाजी ने तुम्हारी माँ के सीने पर गोली चला दिया। तू कहा के अल्लाह की मैं कसम कह रहा अपनी अम्मी का बदला चुकाऊंगा मैं, करके 10 दिन में बदला चुका ना सका, अब तुमको न मुखड़ा दिखाऊंगा मैं। सुन कलेजा गया फट है, इतना दिन हो गया क्यों बताए नहीं, जिस्म का खून सारा उबलने लगा, पहले क्यों ये कहानी सुनाए नहीं। अब्बा तुम्हें तो पहले ही बताना था, अब्बा पहले ही बताना था। बेटा मैं किससे बताता, तुम्हारी माँ थी, तुम थे, तुम्हारे मर जाने के बाद तुम छोटे ही थे बेटा, मैं अपनी गम की दास्तां किसे सुनाता मेरे लाल। अब तुम सयाने हो गए हो, मैं सोचा कि अब बता देना, मैं उचित समझा बेटा। अब्बा मैं अपनी इस जवानी की सौगंध खा के कहता हूँ, अब्बा दर्शन सिंह के खून से अपनी इस अम्मी जान की मजार को 10 दिन के अंदर नहीं रंगा अब्बा, तो इस जामे मुंह नहीं दिखाऊंगा अब्बा। खुदा पे या मौला, बिना माँ की औलाद है, इसको सलामत रखना परवरदिगार, इसको सलामत रखना। डाकू दर्शन सिंह, तूने मेरी अम्मी जान पर गोली चलाया है और मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। कमीने कुत्ते सावधान, आगे शुभ समाचार यह है कि आज के 20 साल पहले जो तुमने मेरी अम्मी जान का खून किए हो, उसका बदला चुकाने के लिए उसका बेटा नौजवान हो चुका है और वो अपनी अम्मी जान के खून का बदला तुमसे जरूर चुकाएगा। आपका दुश्मन गुलशन, गुलशन, गुलशन। अरे ओ असलम भाई, असलम भाई। भाई जान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और तो खैरियत है? अल्लाह की दुआ है भाई जान। यार तुम ये सोचो कि मैं किस लिए तुम्हें बुलाया हूँ। के लिए भाई जान? यार एक मेरा बहुत जरूरी काम है और ये मैं जानता हूँ कि ये काम तुम ही कर सकते हो। क्या काम भैया? काम ये है कि एक पत्र लिखा हूँ, इसे तुम्हें लेकर जाना है चंबल। चंबल? जी हाँ। किसके पास? वो भी डाकू दर्शन सिंह के पास लेकर जाना है। अरे माई हो, का लिखे यहाँ? इसमें मैं लिखा हूँ, सुनो ध्यान से, कमीने कुत्ते सावधान, शुभ समाचार ये है कि आज के 20 साल पहले जो तुमने मेरी अम्मी जान का खून किए हो, उसका बदला चुकाने के लिए उसका बेटा नौजवान हो चुका है और वो अपनी अम्मी जान के खून का बदला तुमसे जरूर चुकाएगा। आपका दुश्मन गुलशन, गुलशन, गुलशन। भाई जान हमके मौत के कुआं जीन धकेला। अरे लड़ाई मारपीट की इसमें बात लिखे हैं, दर्शन सिंह जब पढ़ेंगे बताओ हमका आवाज आएंगे मार मरिए बाल बच्चा स्किच हो गया। नहीं यार ऐसा करो, न तुम फंसो न हम फंसे, ये पत्र डाक द्वारा भेज दो यार। नहीं भाई जान ऐसा नहीं होगा, तो अगर दर्शन सिंह आपके अम्मी जान खून किया है, समझो मेरी अम्मी जान का खून किया भाई जान, मैं ये पत्र लेके जाऊंगा चंबल घाटी। मुझे ये उम्मीद थी कि आप मेरी बातों को जरूर मानेंगे, लेकिन ये बताओ यार भाई जान, मैं ये भी सुना हूँ कि डाकू लोग बड़े आयासबाज होते हैं, नंबर एक, और साथ में बेस्याबाज भी होते हैं 90%। तुम ये बताओ यार, उन डाकुओं से हम लोग निपटना चाहे तो कैसे निपट सकते हैं, कैसे बदला चुका सकते हैं? भाई जान बोलो, अगर आप डाकू से बदला चुकाना चाहते हैं जी, तो सबसे पहले कपड़ा उतार डालिए इसको। हाँ। अरे यार पैंट शर्ट पहन लेंगे और क्या होगा, पैंट शर्ट मत पहनिए, तो कपड़ा उतारो उसके बाद साया पहनो। अबे मैं साया पहनूं? ब्लाउज पहनो,
ब्लाउज के अंदर बाडी। अरे बदतमीज क्यों रे, ये औरतों का पहनने का चीज और मुझे बता रहा है तू? साड़ी पहनो, लाली बाली नसुनी फसुनी फसुनी। सुहाव सिंगार आप कर लीजिए तो एक लड़की बन जाइए। अच्छा तो क्या जब लड़की बन जाएंगे तो आप जाएंगे चंबल, डाकू लोग देखेंगे तो आपके ऊपर मोहित हो जाएंगे, कोई नौजवान लड़की आ रही है और नशे में चूर हो जाएंगे, उसी में अपना काम बना लेना। यार ये तो बहुत अच्छा काम बताया यार। हाँ भाई हम अपनी अम्मी जान का के बदला जरूर चुका लेंगे। अच्छा भाई जान, खुदा हाफिज। अबे खुदा हाफिज बोलते हैं। खुदा हाफिज। आराम चाहते, मैं आ रहा हूँ तुमसे बदला चुकाने के लिए, पहले चल के अपनी तैयारी करता हूँ फिर तेरे पास आऊंगा। इरादे सैकड़ों बनते हैं, इरादे सैकड़ों बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ख्वाजा तेरे दरबार में अजब जलवा गरी देखी, तुझे देते नहीं देखी मगर झोली भरी देखी। मोहम्मद की जुदाई आग भड़का ती है सीने पे, मोहम्मद की जुदाई आग भड़का ती है सीने पे। मोहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में, रवां जब देखता हूं काफिला हज के महीने में, तमन्ना डूब जाती शर्म के मारे पसीने से, मजा क्या खा क्या है ऐसे दूर रह कर जीने में, मजा क्या खा क्या है ऐसे दूर रह कर जीने में, ये परवाना यहाँ तड़पे जले सम्मा मदीने में। जय माँ भवानी सरदार, जय माँ भवानी की। साथियों सरदार जी, जितनी बातें मैंने बताया है ध्यान दीजिएगा, बहुत सी बात कि शासन प्रशासन बड़ा कड़ा हो चुका है, हो सकता है कि पुलिस वाले किस वक्त किस समय पर ये इस बिहार में आकर के अपने पे छापा डाल सकते हैं। नहीं सरदार, हम लोग खूब होशियारी के साथ हैं। अभी तक ज्वाला सिंह नहीं आया। सरदार भाई मैं सोच रहा हूँ वो कहाँ गया। अरे माई सरदार जी, ये चंबल में इधर उधर घूम रहा था, मैं इसके आंख में पट्टी बांध कर लाया हूं। जी हाँ, पलेसिया की पट्टी खोलो। खोलो यार। अरे बताओ तो। अबे ये मकड़ी का चारा नहीं है जो तुम तोड़ के निकल जाओगे। चल जा। अबे तू रोता बे भैया। बोलो कैसे हो यार? तू सबे के है? हम लोग डाकू हैं, यानी चंबल के शेर हैं। माई हो, चंबल का शेर? जी हाँ। हम कहीं मुंशिक भट्टा है। बोलो क्यों भाई, किधर तो घूम रहे थे? आने का कारण क्या बोल? हमें सरदार दर्शन सिंह से मिलना है। दर्शन सिंह से मिलोगे? जी। निगाह उठा के देखो पीछे। अरे माई हो, तो पूरा पहाड़वा बैठा। काम क्या है भैया? उनके नाम एक चिट्ठी लेकर आया हूँ। अब चिट्ठी होगी, खत कहते हैं इसे।
कोई मुर्गी का दरबा नहीं निकल के चले जाओगे? सरदार जी से क्या किया जाए? ज्वाला सिंह सरदार जी, इसके आंख में पट्टी बांध करके जिस रास्ते से आया है उस रास्ते से ना भेजा जाए बल्कि दूसरे रास्ते से भेजा जाए। तो हाय सरकार, किसी दूसरे रास्ते की ना जाए पाऊ, भुलाई जा उन्हीं की आए हमका वहीं की भेजा। एक हफ्ता ही नहीं होगा, ले जाओ उसे। बच गया। एक ऐसा पत्र आया है, देखिए सरदार जी क्या लिखा हुआ है। सरदार जी क्या लिखा है इसमें? मेरी मौत का पैगाम लिखकर भेजा गया। खत पर के बाप बाप क्यों गमगीन हो गए, खत पर के बाप बाप क्यों गमगीन हो गए, क्या बात सोचने में उलीन हो गए। किसका ये पत्र आया है, इस पे लिखा है क्या? किसका ये पत्र आया है और इस पे लिखा है क्या? गमगीन हो गए क्यों गमगीन हो गए, बेटी अगर जानना चाहती हो कि तुम्हारा पिता आज क्यों गमगीन हो गया पत्र पढ़ करके। हाँ पिताजी। तो ये पत्र पढ़ करके खुद ही समझ लोगी। कोई लिखा नहीं रहा तो इस खत में लिखा हुआ है। ओ, खत में लिखा हुआ है। आगे समाचार ये कि आज के 20 साल पहले जो तूने मेरी मम्मी जान का कत्ल कर दिया था उस खून का बदला लेने के लिए पास आ रहा है आपका दुश्मन गुलशन। गुलशन गुलशन बाबूजी कुछ समझ पा रही हूँ नहीं, आपने कब सितम ऐसा भारी किया आपको, ऐसे मैंने ये जाने न थी आपने किसका दिल है दुखारी किया। तो बेटी संसार में कुछ है मजबूरियां जो कि सब कुछ कराती है इंसान से, मुझको मजबूर है खून करना पड़ा, तोड़ना पड़ गया नाता ईमान से। पिताजी वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस मजबूरी के लिए आप खून करना पड़ा? अगर ये जानना चाहती हो बेटी तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा। बताइए कि मैं डाकू क्यों बना और खून क्यों करना पड़ा। हाँ पिताजी मैं जानना चाहती हूँ। आज के 20-22 साल की बात है बेटी, अपना घर मुरादाबाद है। मुरादाबाद? हाँ। तो चंबल घाटी में कैसे पिताजी? वो मैं बताऊंगा बेटी की, आज मैं चंबल घाटी में अपना जीवन क्यों व्यतीत कर रहा हूँ अगर जानना चाहती हो तो सुनिए। अपने यहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया और वहाँ के लोग त्राह त्राह करने लगे, एक टुकड़ा रोटी को मोहताज हो गए जो गरीब इंसान थे। बेटी मैं तुम्हारी माँ और ये मेरे पिताजी तुम्हारे दादा तीन चार प्राणी का परिवार था बेटी, और मजदूरी मेहनत के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। जब सूखा पड़ गया मेहनत मजदूरी करने के लिए कोई नहीं पूछता, जब भूखे मरने लगे तो मेरे पिताजी ने जाकर के जमींदार के हाथ से 1,000 रुपया कर्जा लेने गए। जमींदार ने कर्जा दिए और वो 1,000 रुपया लेकर के पिताजी मेरे आ रहे थे बेटी। तो क्या हुआ? और ना मालूम उन्हें कौन शैतान ने उन्हें गोली मार दिया और पूरी रुपया छीन लिया।
जख्मी हालत में दरवाजे पर पहुंचे और मुझसे बोले कि बेटा जमींदार से 1000 रुपया मैं कर्जा लेकर आ रहा था, गोली मार कर रुपया ले लिए, जमींदार की कर्जा बेटा दे देना। इतना कह करके वो भगवान को प्यारे हो गए। पिताजी के मर जाने के बाद मुसीबत सर पे आ गई बेटी, कहीं कोई काम धंधा के लिए नहीं पूछने लगा। तब तुम 2 महीने की बच्ची थी, तुम्हारी माँ और मैं आपस में सोच रहा था, बताइए कोई मजदूरी मेहनत के लिए नहीं पूछ रहा है, ये बताइए कैसे अब ये जीवन पार होगा। 3 दिन हो गया था, खाना नहीं मिला था, यही सोच रहे थे। कुछ ही देर में ये जमींदार के सब कारिंदे हैं, एक जमींदार के आदमी हैं, ये दरवाजे पर पहुंचे और मुझसे बोले कि तुम्हें जमींदार ने बुलाया है। बेटी मैं जमींदार के पास गया कि मैंने सोचा हम गरीब पर कोई मदद करेंगे, कुछ सहारा देंगे। पहुंचते ही देखते ठाकुर ने कहा, क्यों दर्शन मां, तोर बाप 10,000 रुपया कर्जा ले गया थे। 1,000 10,000 1,000 का ठाकुर ने 10,000 कहा, तब तो मैं असमंदर पड़ गया। मैंने कहा बाबूजी मेरे पिताजी 1,000 रुपये ले गए थे। बेटी इतनी बात सुनते ही क्रोध में उसने पागल हो गया और उठाया हंटर और मुझ पर उसने मारना शुरू किया कि क्यों 10,000 को 1,000 कह रहा है। बेटी जब बहुत मार पड़ी तो मैंने मजबूर होकर कहा, ठीक है बाबू साहब, अगर मेरे पिताजी 10,000 ले गए हैं तो मैं 10,000 दूंगा, लेकिन अभी मेरी समय नहीं है, मेरा वक्त नहीं है, कहीं मेहनत मजदूरी करने लगूंगा, कोई रास्ता मिल जाएगा खाने कमाने का तो मैं आपकी 10,000 रुपया दे दूंगा। उसने कहा तुमको इसी वक्त देना है। बेटी सोचो जिस जो कि एक टुकड़ा रोटी को मोहताज हो, कहाँ से 10,000 देगा। मार पड़ने लगी, उसने कहा अगर 10,000 नहीं दोगे तो तुम और तुम्हारी बीवी दोनों आकर गुलामी करें। और गुलामी में यह शर्त थी, एक बाप होकर मैं बेटी के सामने कैसे ये बातें कहूं मैं। उसने कहा, लेकिन आज इंसान की मजबूरियां सब कुछ कहलाती हैं बेटी। उसने कहा तुम्हारी बीवी हवेली के अंदर रहेगी, जहां मैं और मेरा मुनीम रहेगा, वहां तीसरा कोई और नहीं रहेगा। तुम्हारी पत्नी वहां रहेगी और तुम गुलामी मेरे यहाँ पर करोगे, और गुलामी में यह शर्त है कि तुम खेतों में काम करोगे, तुम्हारी बीवी हवेली में काम करेगी। तुम सोचो बेटी, मैं समझ गया कि ये जमींदार हैं, मेरी पत्नी हवेली में रहेगी तो कुछ भी कह सकते हैं, हम गरीब आदमी इनको मैं कोई कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं समझ गया कि ये इज्जत पे हमला करने के लिए सोच रहे हैं। ये सोच कर मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चों को हवेली के अंदर नहीं भेजूंगा, मैं कर्जा दूंगा। उसने कहा इसी वक्त दो। मैंने कहा कहाँ से अभी दूं बाबू। जब मार पड़ने लगी, इन लोगों से बेचारे मेरी तरफ से रिक्वेस्ट किए और मैंने ठाकुर से कहा कि मैं 3 दिन में रुपया दूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को हवेली के अंदर नहीं भेजूंगा। जब मुझ पर मार पड़ने लगी, ये बेचारे 3 दिन की मोहलत दिलाने के लिए ठाकुर से पर भी किए कि बाबू साहब दर्शन को छोड़ दिया जाए, तो तुम्हारा पैसा दे देंगे। इन पर हंटर भी पड़े और इनको हवेली से बाहर कर दिया कि निकल, अगर गरीब की कोई मदद करेगा तो भी इस हवेली में नहीं रहेगा। जब मार पड़ी तो ये भी बेचारे अपना जान लेकर के घर छोड़ करके चंबल चले आए। बेटी मुझे मोहलत मिली, किसी तरीके से मुनीम ने मोहलत दिलवाया कि जाओ 3 दिन में अगर रुपया नहीं दोगे तो तेरी हवेली में ताला ठाकुर का लग जाएगा और तेरी बीवी ठाकुर के कदमों के यहाँ पर आकर गुलामी करेगी। मैंने जब बहुत मार पड़ी तो मैंने कहा ठीक है बाबू साहब, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर मैं कर्जा नहीं दे पाऊंगा तो बीबी घर द्वार सब तुम्हारे हमरा होंगे। बेटी मोहलत मिली, जब कुछ दूर मैं घर आया, जब घर आया तुम्हारी माँ तुमको लेटा कर कहीं गई थी। मैंने सोचा कि अब ऐसा मौका है, मैं 3 दिन में रुपया नहीं दे पाऊंगा और मेरे सामने मेरे बीवी बच्चे का दुर्दशा होगा, ये मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, मैं तुम्हारी माँ कहीं गई थी और चुपके से मैंने तुमको उठा करके माँ का तुम्हारे मुख नहीं देखा, मैं तुमको गोद में लेकर भाग करके चंबल आया। ये चंबल में हमें मिले, हमें सहारा मिला और बेटी मुझे सरदार बनाए। मैंने सोचा कि मैं ठाकुर की रुपया किसी तरीके से दे करके
और अपने वतन में, अपने घर में, अपने मकान में रहूं। ये विचार विवश किया गया, सोचा गया, जब मुझे सरदार बनाए तो मैंने सोचा कि ये रुपया कहाँ पर 10,000 मिले, तो हाजिर साहब के ये पता लगा कि हाजिर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, इनके पास काफ़ी रकम है, परिवार में कोई नहीं है, तो पूरी गिरोह के साथ बेटी, ईद का दिन था, सभी मुसलमान भाई खुशियाँ मनाए, सुख की नींद सो रहे, और उसी रात मैं हाजी साहब के मकान पर डाका डाला। जब डाका डाला बेटी, तब हाजी साहब इनकार कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है। उनकी बीवी ने शोर मचाई, उनका नाम था सबाना, शोर मचाई और गांव वाले मुझ पर टूट पड़े। जब टूट पड़े तो मुझे मजबूर होकर के हाजी साहब की बीवी पर गोली चलाना पड़ा। हाजी साहब की बीवी को मैंने गोली मार दिया बेटी। और जब गोली मार दिया, हाजी साहब की बीवी मर गई। अब उन्हीं का बेटा जवान हो गया है, जो अपनी अम्मी का बदला चुकाने के लिए मेरे पास पत्र भेजा है। तो ये मजबूरी थी। हाँ पिताजी, एक माँ का बेटा होकर के अपने माँ के खून का बदला ले सकता है, ते बेटे भी अपने बाप के लिए कुर्बान हो सकती है। और पिताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक गुलशन को जिंदा मुर्दा आप कदम लगा के डालने देती हूँ, तब तक मुझे अनिचल हराम है। बेटी, हाजी का लड़का मेरे पास पत्र भेजा, वो मेरा दुश्मन हो गया, और मेरे दुश्मन को तुम मेरे सामने ला सकती हो? तुम ये बताओ जी कि तुम उसे कैसे पहचानोगी कि जो मेरे पास पत्र भेजा है, कैसे पहचानोगी कि हाजी का लड़का यही है? पिताजी, मैं इसी तरह पहचानती हूँ क्योंकि वो मेरे क्लास फेल हो गए। यानी तुम्हारे साथ पढ़ता है? हाँ। अगर उसे मालूम हो गया कि यह सरदार दर्शन की लड़की है तो तुम्हारे साथ कैसे यहाँ आएगा? पिताजी, कैसे मालूम होगा, मैं इतने थोड़ी जाऊंगी, तो अपना भेष एक मर्द का बनाऊंगी, मर्द बन करके उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगी, दोस्त बना करके अब कलमा बना के डाल दूंगी। वो बेटी, वेरी गुड आइडिया। अगर तुमने मेरे दुश्मन को मेरे सामने ला दिया, हाजी के बेटे गुलशन को तुमने सामने पेश कर दिया, तो मुख मांगा इनाम तुम्हें मिलेगा। मुझे ऐसी बात नहीं, पिताजी। जाओ बेटी, मेरे दुश्मन को लाओगी तो मुख मांगा इनाम मिलेगा। साथियों, एक तीर से दो शिकार, हाजी की लड़की और हाजी का लड़का आपस में टकरा के हाजी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये गुलशन को लाने जा रही है, किस रूप में कैसे लेकर आएगी। अगर ये गुलशन, तुमने मेरे पास पत्र भेजा है, दर्शन का नाम सुना है बेटा, लेकिन काम नहीं देखा, जिसके नाम से, जिसके चलने पर ये चंबल के पेड़ पौधे झुककर सलाम करते हैं, आज एक इंसान में मौत का पैगाम भेजा है। गुलशन, जिस वक्त चंबल में आ जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा दर्शन क्या। असलम भाई, असलम भाई कहाँ हो? खेस हो के करे घरे के न तो पतो तो रानी आई है। संतु प्रधान कहाँ गया भैया? तोहरे गांव में आई भैया के करे घरे के न तो पतो हुआ तो रानी है यार। पागल हो गए यार। अरे माई हो, अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम पहचान नहीं रहे हो? गुलशन भाई सलाम। यार तुम्हारे ही कहने पर सारी ये बात बनी और तुम मुझे भूल जा रहे हो। सब लोप हो गए। क्यों? तुम्हारे कहने पे फेस हुआ बदला। और क्या? और क्या, तुम ही तो बोले कि साड़ी पहनो, ब्लाउज पहनो, एक अच्छी सी औरत बनो, और तुम्हारे कहने पे किया मैं? अरे बस करे यार, बाजू आए तो से हाथ जोड़ता ही। हमारे भैया, माई बाप, हाँ जो तही, जैसे आप भेष बदल लिए हैं वैसे बोली बोलना पड़ेगा यार। यार ये तो पहन लिए हैं। हाँ। ले ये यही मुश्किल हो जाएगा यार। नहीं बोली बोला ना तो महाराज हम मरवा उबिया तो यार का बोला बोला। हाँ। यार लेडी ब्यूटीफुल गर्ल, यार समझा करो, ब्यूटीफुल गर्ल। ये बताओ, अब मैं चलूंगी
अब मैं चलूंगी, अब मैं चलूंगी। हाँ मैं करूंगी, मैं करूंगी, करती हूँ, करती हूँ, कराती हूँ। अबे पागल हो गया है, अपने ऊपर तू ले रहा है। किसी का उपकार, किसी को उपकार। हाँ, हाँ, किसी का उपकार मैं कराती हूँ। हाँ, मारूंगी, मारूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी, मरा लूंगी। मतलब अगर न जीत पाए हो तो चार महीने बटोर के मरवाए हो उनसे। अच्छा ये बात, लेडी। अरे अभी हम तुम तो उनके लिए काफी हैं, चलो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम संतु प्रधान को बुला लेंगे यार। नहीं तो हमारे गंगा कैसे के हमारे भैया आए यहाँ शर्मा जी साहब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कहा डाकू के पास बड़ी बड़ी बंदूखे होती है, उनके पास जाओगे तो कैसे काम बनेगा भाई। अरे यार तुम यार ऐसी बात करते हो, आजकल बड़ी ही बंदूक से फायर नहीं होता है, छोटे छोटे सामान ऐसा काम कर जा रहे हैं कि लाश जो है जमीन 3.5 हाथ हो गई। अरे माई हो, अरे गंगा कैसरी वाले भैया भागिया जिन डे रहे जिन केसरी भैया भागिया जिन मेहरानी हुए कितना बड़ा सलाह लेके चल दिया। यार वही बात करते हो यार भाई जान, और यार के मूल ना देख पावे कि दोनों के हैं बतलाता हूं। इसमें कई गोली लगती है? इसमें 6 लगती हैं, 6 गोलियां। क्या गोली और क्या, कैसे लगती है? अभी यार तुम कभी इसको देखे नहीं हो क्या? जल्दी बताओ बस। मेरा ख्याल है कि तुम कभी देखे नहीं। हम देखे नहीं यार। देखो ऐसा है, अरे माई रे एकदम ओरिजिनल है, ठीक है, और इसमें 6 गोली लगती है, 6 गोली बिल्कुल लोड है, बिल्कुल ऐसे करो। और ये देख रहे हो बीच में क्या है? बीच में आँठा, छोटा सा आँठा है, बस इस पे उंगली ऐसे आराम से लगाओ। हाँ ठीक है, लग गया। और अपनी तरफ इशारा करो, खींचो खींचो पीछे की साइड। यस ठीक है, सामने वाला आदमी गया काम पे। हाँ। मर जाएगा और क्या, तई देखी यार। देखो यहाँ उंगली नहीं लगाना, और मैं कहो चलाए नहीं, मजे के यार हो जा नहीं है, दबा दूंगा दब जाएगी और क्या। अब बोलो, मैं पागल नहीं हूँ, कितनी अधिक कट्टत हम घूरे मंगाले, इधर आओ मेरी जान। अरे मर जाऊंगा यार, गोली मार दूंगा, पहले घूंघट काल हो। ये भगवान, हाथ जोड़ रहा हूँ इधर, इसको उधर रखो यार। वो गोली मारूंगा गंगा कैसे वाले, केसरी भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। जरा एक गाना सुनाओ मेरी जान। गाना गोली मारेंगे? नहीं नहीं सुनाऊंगी सुनाऊंगी, मर जाऊंगी। या भगवान सुनाओ जान। गोली मारेंगे? सुना रही हूँ सुना रही हूँ भैया। हर पहले पहले हमें हो हो पहले पहले हमी गईली गवनमा, हो गईली गवनमा। हे गंगा कैसेट वाले मेरी तरफ निगाहें डालो, हे गईली गवनमा। देखे लाडी जलगाड़ी हो दिलवर जानी, देखे लाडी जलगाड़ी हो दिलवर जानी। देखे लाडी जल गाड़ी हो दिलवर जानी, देखे लाडी जल गाड़ी हो दिलवर जानी, देखे लाडी जल गाड़ी हो दिलवर जानी। गोली मार देंगे दीपक कुमार हारमोनियम मास्टर डार्लिंग। उनको गोली मत मारना, गाने के साथ साथ जरा ठुमका लगाओ जान। मैं लगाऊंगी लगाऊंगी। बोलो वही डीजल गड़िया में पिया की नौकरिया, वही डीजल पिया की नौकरिया, मोरे सैया की नौकरिया, लियो ले गो साड़ी हो दिलवर।
सरिया पहने हमें गैली बजरिया सरिया सरिया पहने हमें। अबे इधर जय राम भाई साहब। नमस्कार बे, याद तुम्हें सब लड़की वाली फर्स्ट क्लास की है? लड़की नंबर वन है। अरे यार भाई साहब सिगरेट नहीं पीता हूँ, जा बीड़ी पी लाओ। यार मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। झोल जी ने बोला दो बिंडल ले। ये सिगरेट डिब्बी है, सुन बे। दो बिंडल ले, पाँच मिनट ले मुझे लड़की पटा दो। हाँ। मैं तुम्हें बीड़ी भी दे दूँ सिगरेट भी। अच्छा एक बिंडल दे दे। अभी नहीं। हाँ डाल दे। लौंडा आ गया यार, लौंडा आ गया। गुल बदल गुल हंसी इंद्र के अपसरा, आज के दिल पे बिजली गिराने चली। अरे सरंगीन मौसम है किसके लिए, किसको मधुमाखी कलिया चुसाने चली। किस दिल पे बिजली गिराने चली, क्या करोगे अजी आप ये पूछ कर, आपसे क्या पड़ी कौन मधुकर मेरा, देखते हैं मुझे आप क्यों भूल कर। यही तो बात है, आज दिल रुबा तेरे दिल का दीवाना हुआ। काले कुत्ते कमीने क्या जाना नहीं, काले कुत्ते कमीने क्या जाना नहीं, मेरे दिल में तेरा है ठिकाना नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, और ना उतारूंगी चप्पलें, सैकड़ों चप्पलें मारूंगी। तेरी मां की सारी लाज। तू कुछ ना कर पाएगा पापी नीच गवार, मेरे ऊपर खुश रहे अगर मेरे करतार। ये बात है तो बुला अपने करतार को, देखते हूँ तुझे और मेरे पंजे से कौन बचाता है। ए तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप निकल जाओ। हाँ मेरी छमना चलो, कहाँ जाओगे तू। क्यों बे? साले पोजीशन अबे ये मुछ ना पक्की है। क्यों बे? तब खोदा पहाड़ निखरी चुहिया। लड़की या यार? वास्तव में ये तो लड़की है यार। क्या यार भाई जान, ये लड़की हो करके यार क्यों लड़का बना था यार? यार यह तो मैं भी सोच रहा हूँ कि लड़की होके लड़का का वेशभूषा क्यों बनाई थी।